हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वायरल फीवर क्या होता है, वायरल फीवर कैसे फैलता है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, वायरल फीवर होने से क्या क्या समस्या होती है, वायरल फीवर का इलाज कैसे किया जाता है और इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं, इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वायरल फीवर की अगर बात की जाए तो वायरल फीवर को वायरल बुखार भी कहा जाता है। वायरल फीवर वायरस के संक्रमण होने पर होता है, जैसे कि फ्लू और डेंगू। और भी बहुत सारे फ्लू हैं जिसके कारण वायरल फीवर होता है। ये बच्चों और बड़ों में सबसे ज़्यादा होता है। इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर अबाउट 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। 103 डिग्री फ़ारेनहाइट को 39 डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं। वायरल फीवर में शरीर का तापमान 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं, वायरल फीवर कैसे फैलता है। फर्स्ट है इन्हेलेशन। यदि कोई व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो नाक या मुंह के द्वारा शरीर के अंदर आ सकता है। सेकंड है फूड, खाने के द्वारा शरीर के अंदर आना। यदि कोई व्यक्ति दूषित भोजन का इस्तेमाल करता है, वायरल फीवर होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। थर्ड है इंसेक्ट बाइट, मच्छर के काटने पर भी वायरल फीवर हो सकता है या कीड़े के काटने पर वायरल फीवर हो सकता है। फोर्थ है बॉडी फ्लूइड, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसने छींकने से सलाइवा या ड्रॉपलेट के द्वारा वायरल फीवर हो सकता है। वायरल फीवर के सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं। फीवर मतलब बुखार आना, फटीग, थकावट महसूस होना, वीकनेस, कमजोरी होना, वोमिटिंग, उल्टी होना, पेनफुल टॉन्सिल, टॉन्सिल में दर्द, रनी नोज, नाक बहना, सोर थ्रोट, गले में खराश होना, आई बर्निंग, आँखों में जलन होना, इन्फ्लेमेशन ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स में सूजन होना। वायरल फीवर के कॉम्प्लिकेशन की बात कर लेते हैं, वायरल फीवर से कौन कौन सी समस्या होती हैं। फर्स्ट है डिहाइड्रेशन, बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाना। जब बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है तो ऐसे पेशेंट को ORS सॉल्यूशन देना। सेकंड है हेलोजिनेशन, भ्रम होना, लीवर फेलियर, लीवर खराब होना, नर्व प्रॉब्लम, नम में समस्या होना, सेप्सिस, सेप्सिस होना, कोमा, कोमा में चले जाना, सीजर, झटके लगना और किडनी फेलियर। वायरल फीवर में किडनी ख़राब होना बहुत ही ज़्यादा खतरा रहता है। वायरल फीवर ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, वायरल बुखार का इलाज कैसे किया जाता है और कौन कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है एंटीफायरेटिक मेडिसिन, बुखार को कम करने वाली दवाइयाँ वायरल फीवर में चला सकते हैं, जैसे कि कैलपोल 500 mg। वायरल फीवर में बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए ये दवाइयाँ चला सकते हैं। सेकेंड है एंटी एलर्जिक मेडिसिन, वायरल फीवर से एलर्जी वगैरह हो जाती है तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी दे सकती हैं। थर्ड है एंटी वायरल मेडिसिन, वायरल इन्फेक्शन को कम करने के लिए एंटी वायरल मेडिसिन दी जाती हैं। फोर्थ है एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स वायरल फीवर इन्फेक्शन को कम करने के लिए सबसे अधिक यूज़ की जाती हैं। फिफ्थ है मल्टीविटामिन, यदि किसी व्यक्ति को वीकनेस या कमजोरी है तो मल्टीविटामिन मेडिसिन दे सकती हैं। एंटी पायरेटिक मेडिसिन, बुखार को कम करने वाली दवाइयाँ कौन कौन सी होती हैं आइए जानते हैं। फर्स्ट है पैरासीटामोल, सेकंड है आइबुप्रोफिन, थर्ड है एस्प्रिन, फोर्थ है डाइक्लोफेनिक, फिफ्थ है एसाइक्लोफेनिक। यदि किसी व्यक्ति को जकड़न वगैरह है या फिर दर्द होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा एसाइक्लोफेनिक का यूज़ किया जाता है। एंटी एलर्जिक मेडिसिन की बात कर लेते हैं, यदि किसी व्यक्ति को एलर्जी वगैरह हो जाती है तो इन मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है सेट्रिजिन, सेट्रिजिन का यूज़ एलर्जी में सबसे अधिक किया जाता है। इसके एडल्ट डोज की अगर बात की जाए तो 10 mg पर डे में दिया जा सकता है। डोज फॉर 5 से 10 ईयर के बच्चे में अगर बात की जाए तो 5 से 10 ईयर के बच्चे को 5 mg पर डे दिया जा सकता है। 6 से 24 मंथ के बच्चे में डोज की मात्रा की अगर बात की जाए तो 2.5 ml BD दिन में 2 बार सिरप को दे सकती हैं। सेकंड मेडिसिन की बात कर लेते हैं मोंटेलुकास्ट, ये एलर्जी में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। अडल्ट डोज की अगर बात की जाए तो 10 mg पर डे में दिया जाता है। 5 से 10 ईयर के बच्चे में 5 mg पर डे दिया जाता है। 6 से 24 मंथ का यदि बेबी है तो 2.5 ml सिरप को दिन में 2 बार दे सकती हैं। वायरल फीवर में सबसे अधिक यूज़ की जाने वाली एंटीबायोटिक्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट है सिफेक्जिम, सिफेक्जिम का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। सेकंड है सिफोड्रोक्सिल, थर्ड है एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन का भी यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। फोर्थ है डॉक्सीसाइक्लिन, और डॉक्सीसाइक्लिन का यूज़ भी वायरल इन्फेक्शन को कम करने में यूज़ किया जाता है। फिफ्थ है एमोक्सिसिलिन, एमोक्सिसिलिन का यूज़ सबसे अधिक किया जाता है।